टू फैमिली, आज का मेरा न्यू रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आम की चटनी। इसके काफ़ी सारे नाम हैं, आप इसे कच्चे आम की खट्टी मीठी लौंजी भी बोल सकते हैं, या फिर गुड़ामा भी बोल सकते हैं, या फिर चटनी भी बोल सकते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा नाम हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज़ के आम लिए हैं। अब मैं इसके छिलके हटा लूँगी, बढ़िया से इसे फ्रेश कर लूँगी। दोनों आम के छिलके हटाकर मैंने यहाँ कटिंग कर लिया है। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, मैंने तो इसे यहाँ पे लंबा लंबा ही काटा है। मैंने यहाँ एक पैन में दो बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। अब इसमें डालूँगी आधा चम्मच राई के दाने, आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच सौंफ। सौंफ डालने से इसकी टेस्ट ही बहुत अच्छा हो जाती है। सारे खड़े मसाले को मिक्स कर लेंगे। अब जो आम कटिंग करके रखे थे वो डाल देंगे। अब इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। कप पानी, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, आधा चम्मच काला नमक। अब इसमें थोड़ा सा ही डालेंगे नमक, क्योंकि इसमें चाट मसाला और काला नमक मैंने पहले ही डाल दिया है, इसलिए नमक मैंने इसमें बहुत ही कम डाला है। इसमें अब बॉइलिंग आ गई है। अब मैं इसमें डालूँगी एक कटोरा गुड़, क्योंकि आम बहुत खट्टा है और इसमें गुड़ ज़्यादा डालने से खट्टा और मीठा दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करके 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गई है, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। आम की चटनी या गुड़ामा बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो गई है, देख सकते हैं आप। इसे पहले ठंडा कर ले, मैंने फ्रीजर में इसे 20 मिनट रखकर ठंडा कर लिया है। आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चों लोग को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है आम की चटनी। आप इसे टिफिन में बच्चों को दे सकते हैं। मैंने अभी वीडियो बनाना स्टार्ट ही किया है, मैं खुद ही यूट्यूब पे भी नई हूँ। मैं वीडियो बनाने से पहले खुद ही काफ़ी ज़्यादा नर्वस रहती हूँ। आप लोग मेरा सपोर्ट करें, मुझे मोटिवेट करें, डीमोटिवेट ना करें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। आपको कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताएँ।